अजोला, एनाबीना, एजोटोबैक्टर, नोस्टैक, इनकी विशेषताओं का अध्ययन। इसके लिए हमें कायम स्वरूपी स्लाइड्स लगेंगे। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हो नैसर्गिक खाद क्या होते हैं? इनके उपयोग से खेती व्यवसाय में क्या फायदे होते हैं? हम इस बारे में जानकारी लेंगे। नैसर्गिक खाद का मतलब नीले हरे एक पेशीय वनस्पति जिनका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। वनस्पतियों को नाइट्रोजन की बड़े पैमाने पर आवश्यकता अमीनो अम्ल और प्रथिने बनाने के लिए होती है। हवा में बड़े पैमाने पर होते हुए भी वनस्पति उसको सोख नहीं सकते। नैसर्गिक खाद वायुरूप नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में करते हैं जो वनस्पति इस्तेमाल करते हैं। नैसर्गिक खाद पूरी तरह सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। इनकी वजह से फसल उत्पाद बढ़ता है। निरीक्षण। अजोला, सृष्टि वनस्पति सृष्टि, विभाग टेरिडोफाइटा, उदाहरण अजोला। विशेषता, तालाब सरोवर जैसे संथ जलाशय के सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। पत्तों पर रोम होने के कारण जलाशय पर मखमली आच्छादन तैयार करते हैं। पत्ते त्रिकोणाकार होते हैं। पत्ते में स्थित साइनोबैक्टीरियम एनाबीना ओज़ेली पत्तों के ऊतकों में बढ़ते हैं। उनमें कीटकनाशक गुणधर्म होते हैं और वे पानी में से कीटकों को मारते हैं। ये चावल और धान के लिए उत्कृष्ट होते हैं। एनाबीना, सृष्टि जीवाणु, विभाग साइनोबैक्टीरिया, उदाहरण एनाबीना। विशेषता, ये तंतुमय जीवाणु अजोला के साथ सहजीवी होते हैं। ये तंतुमय होते हैं। तंतुओं में से एक विशेष पेशी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। एनाबीना न्यूरोटॉक्सिन को हवा में छोड़ते हैं जिसकी वजह से जानवर फसल से दूर रहते हैं। एजोटोबैक्टर, सृष्टि जीवाणु, विभाग प्रोटियोबैक्टीरिया, उदाहरण एजोटोबैक्टर। विशेषता, मिट्टी में स्वतंत्र जीवन बिताते हैं। एक या दो माइक्रोमीटर व्यास गोल या लंब गोलाकार जीवाणु होते हैं। अपने आप पर कवच बनाने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्र रहते हुए भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चावल के अलावा अन्य फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। नोस्टॉक, सृष्टि जीवाणु, विभाग साइनोबैक्टीरिया, उदाहरण नोस्टॉक। विशेषता, माला जैसे दिखने वाले जिलेटन सदृश कोशों के स्वरूप में मिलने वाले जीवाणु हैं। अधिक पानी वाले मिट्टी में पाए जाते हैं। पेशियों में हरित द्रव्य होने के कारण प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सहजीवी जीवन जीते हुए नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। प्रथिन और जीवन सत्व अधिक मात्रा में होने के कारण अन्न जैसे उपयोग किया जाता है। अनुमान, अजोला और एनाबीना ये चावल की खेती में उपयोगी नैसर्गिक खाद के तौर पर उपयुक्त हैं। अजोटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नोस्टॉक प्रकाश संश्लेषण करने वाले नैसर्गिक खाद हैं।